रेडी हो गए, ना धो के हो गया रेडी, वो डालने डाल जाना है। उसके बाद मेरी ड्यूटी है तो मुझे जल्दी वो डाल के ड्यूटी में जाना है, इसलिए मैं चिंते के साथ जा रहा हूँ। वो डालने से दिखाते हैं कैसे कैसे मैं गलती है, तो मिलते हैं आके। आज चिंटू भी जा रहा है अपने पापा के साथ ये देखने के लिए, अगर इसे अंदर जाने दिया तो ये भी देख लेगा कि कैसे कैसे वो डालते हैं पापा। चल दिए हैं वोट डालने के लिए, रास्ते में हैं दोनों। दिखाते हैं, ये आ गया हमारा वोटिंग पॉइंट जहाँ पे स्कूल में डलते हैं। आ गए हैं वोटिंग की लाइन में, अपनी डाल आए हैं वोट देश के हित में। चिंटू भी था साथ में, पर बिल्कुल मशीन के पास तक नहीं जाने दिया इसको, कह रहे कि बच्चों को यहीं तक अलाउड है बस देखने के लिए, बस इतना ही। ये पेड़ देखकर याद आ रहा होगा इसकी मम्मी के स्कूल में ही है, जहाँ पे कभी पपीते लगते थे खूब सारे, वही पपीता ये आज उसी स्कूल में है वापस, जिसमें पहले चिंटू की मम्मी थी, यहीं पे वोट डलती हैं सारी। आ गए हैं बाहर वोट डाल के स्कूल के, अब चलते घर पे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निर्वाल फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सभी, आई होप आप से बहुत बढ़िया होंगे। तो जी आज है शनिवार का दिन और 25 मई है, तो 25 मई को जो है आज का इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि आज जो है हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। तो मैंने सारी जो है तैयारी कर ली है, अपने घर का काम वाम से फ्री होकर नहा धोकर तैयार होगी, अब मैं जाऊँगी वोट डालने के लिए और साथ में अपने साथ लेकर जाऊँगा चिंटू को भी, क्योंकि चिंटू एक बार सुबह तो अपने पापा के साथ चला गया क्योंकि उन्हें ड्यूटी जाना था, तो इसलिए वो पहले अपने वोट डाल के जब गए ड्यूटी, और मैं अब जाऊंगी तो अब चिंटू मेरे साथ भी जाएगा, सुबह भी हो गया है वो, एक बार उसको देखना था कि कैसे कैसे वोट डलते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा अंदर तक तो जाने नहीं दिया, पर फिर भी आए चला गया साथ में, तो अब ये मेरे साथ जाएगा। तो अपना अब मैं आधार कार्ड और अपनी वोटिंग पर्ची ये देखिए मैंने ले लिया, तो अब चलती हूँ। आओ चिंटू, तो ये बैठा चिंटू, ये देखिए चिंटू भी जो है नहा धो के रेडी हो गया। चिंटू चलेगा भाई? तो चिंटू खुश हो रहा है, मेरे साथ चलेगा, तो हम चलते हैं और हम आपको वहाँ दिखाएंगे जहाँ वोट डल रहे हैं, और जिस जहाँ मैं वोट डालने जा रही हूँ तो उसी स्कूल में मेरी ड्यूटी थी, तो अपने पुराने स्कूल में ही जाऊँगी जहाँ पहले जॉब थी मेरी। तो अब तो क्योंकि मेरा स्कूल चेंज हो गया, प्रमोशन हो गया, तो स्कूल भी चेंज होना था, तो काफ़ी दिनों बाद जाऊँगी अपने स्कूल में वोट डालने के लिए। तो चलते हैं, चलो चिंटू। ये हम आ गए हैं वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर, और ये देखिए ये मेरी दीदी है, ये भी इनकी ड्यूटी आ रही है, ये आंगनवाड़ी है तो इनकी यहाँ ड्यूटी आ रही है। और कैसे चल रही है ड्यूटी? बढ़िया चल रही है। और चलते हैं, मेरा थोड़ा टीवी में देख लिया। ये देखिए आ गई मैं अपने पुराने स्कूल में, यही वोट डल रहे हैं।
भी आई हुई थी वोट डालने के लिए, तो ये भी मिल गई है मुझे। बहुत दिन में मिले हैं, आज हम बहुत दिन में मिले हैं। हाँ चाची ठीक है? हाँ सब बढ़िया। डाल दिया वोट, डाल दिया वोट, ये शाम को दिखाओ, डाल दिया वोट। ये देखिए जी, हम वो डाल के आ गए हैं, अब चलते हैं। तो जी अब हमारा जो है काम हो चुका, वो डल गई, चिंटू घूम लिया इतना थोड़ी देर, क्योंकि अंदर नहीं जा पाया क्योंकि बच्चों को नहीं जाने दे रहे अंदर, तो ये बस बाहर तक इसने देख लिया और मैं वोट डाल के आ गई हूँ। अब हम चलते हैं घर। चलो चिंटू घूम रहा पार्क में। तो आते ही लेट गया है, लग गया। तो मैं अब घर पर आ गई हूँ वोट डालने के बाद, तो जो है इन बच्चों के लिए खाने की तैयारी करती हूँ। खाने की तैयारी में मैंने सुबह से ही कर ली थी, तो जो है आज मैंने छोले बनाए हैं और बच्चे जो है छोले के साथ कुलचे की कहने लग गए, तो आज इन्हें छोले कुलचे का लंच कराऊँगी। तो इनके पापा को तो मैंने सुबह ही पैक करके दे दिए छोले कुलचे लंच के लिए, और अब जो इन बच्चों के लिए रेडी कर लेती हूँ। किचन में जाती हूँ, प्याज टमाटर हरी मिर्च हरा धनिया ये सब काट देती हूँ, छोले उबले रखे हैं, बस अब इनको जो है तैयार करके, और कुलचे तो बस सेकने हैं क्योंकि बने बनाए आए थे, तो उन्हें घी में सेक लेती हूँ और फिर इन बच्चों के साथ बैठ के मैं भी लंच करूँगी। 12:30 का समय हो रहा है, तो हो ही रहा है लंच का समय। तो ये चिंटू बोर हो रहा था आके, ये टैब ले कर खेलने लग गया, गेम खेल रहा है। ट्यूशन ये पढ़ी आया था सुबह, तब दोपहर में तो इसको जाना नहीं ट्यूशन, तो अब मैंने भी इसको दे दिया थोड़ी देर छूट दे दिया, खेल लेगा ये देखिए। ये देखिए ये छोले उबाल के रख दिए थे, और ये प्याज टमाटर हरा धनिया हरी मिर्च ये काट दिया है, साथ में नींबू। अब ये जो है छोले मैं तैयार करूँगी, तो पहले मैं इनको गर्म कर लेती हूँ। तो मैंने फ्राइंग पैन रख दिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने गर्म पानी कर लिया है, तो उससे थोड़े ढीले भी हो जाएंगे और गर्म भी हो जाएंगे। ये गर्म हो गए हैं छोले, अब इन्हें पलट लेती हूँ उस डोंगे में। अब इसके अंदर ये सारी चीज डाल देती हूँ। अब इसमें नमक डाल दूंगी, और ये नींबू का रस निकाला था ये डाल दूंगी। अच्छी तरह से कर दिया है मिक्स। अब जो है ना फ्राइंग पैन को रख देती हूँ सिंक में, और ये इधर तवा रख देती हूँ गर्म करने के लिए। इन्हें ढक देती हूँ अभी, अभी तवा गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा इसमें बटर लगा के, फिर ये मैंने जो है उनसे मंगाए थे, ये रेडीमेड मंगाए हैं, तो मैं इनको सेक सेक के दे दूँगी बच्चों को। फ्री ये तवा गरम हो गया है, अभी पैकेट खोलता पहले से। अब इसमें जो है घी से घी लगा दूंगी हल्का हल्का, और इन्हें सेक दीजिए दोनों तरफ से।
तो बच्चे के पापा को तो मैंने सुबह बना कर दे दिए थे, तो वो भी लेंगे अपना लंच। अब बच्चे अब खाने कह रहे हैं क्योंकि अब लंच का समय हो गया है, तो इसमें सेक के मैं दे दूंगी गरमा गरम डाल के। ये सिक गया है अच्छे से बर्गर, ये सिक गया है कुलचा, दूसरा सेक देती हूँ। अब ये दोनों कुलचे रख देती हूँ इसमें प्लेट में, इन्हें बाद में सेकूंगी। अब ये देखिए ये छोले रेडी कर दिए हैं, अब मैं डाल कर दे देती हूँ बच्चों को, टिफिन में डाल दूंगी। ये मैं ले जा रही हूँ चिंटू के लिए। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं कुलचे सिके हुए, और ये रंग बिरंगे छोले। ये लो चिंटू छोला कुलचे खाओ, खाकर मुझे बताना कि कैसे लगे हैं। तो मैं और सेकने के लिए जा रही हूँ किचन में, क्योंकि चिंटू दे दे गुड्डू के लिए भी ले आती हूँ। तो मैं भी जो है अपने लिए डाल लाई हूँ छोले कुलचे, पसीने आ गए किचन में क्योंकि गर्मी हो रही थी। अब चलाऊंगी एसी, आराम से बैठ के अपना लंच करेंगे और फिर करेंगे रेस्ट, क्योंकि दोपहर का समय हो गया और काम हो गया अब सारा ख़त्म। तो दरवाज़ा बंद करके एसी चलाकर बैठते हैं खाना खाने के लिए। ये रही मेरी थाली, बैठती हूँ, चिंटू की भी रखी है। दोपहर का समय हो रहा है और चिंटू के पापा ड्यूटी से आ गए हैं, तो चिंटू जो है उनके लिए नींबू पानी बना रहा है। तो चाय की तो उन्होंने मना कर दी कि चाय नहीं पियेंगे अभी, तो उन्होंने नींबू पानी के लिए बोला था, तो चिंटू लग गया बनाने के लिए। ये देखिए आज मैं आपको दिखाऊंगी कि चिंटू कैसे नींबू पानी बना रहा है। चिंटू ने बना दिया है अब नींबू पानी। अब ये सारा सामान जो इसने फैलाया था सब उठा उठा कर रख रहा है। कैसा बना है? पहली बार बनाया है, अच्छा बना दिया भाई चिंटू। तो जी आज का व्लॉग बस इतना ही। यदि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।